अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद नुमान कायम खानी। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही शानदार 2018 की बेस्ट फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये जो एप्लीकेशन है बहुत शानदार है, बहुत इजी टू यूज़ है। मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ से इंस्टॉल होगी और आपको दिखा भी देता हूँ कि इस पर आप काम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिव्यू इस एप्लीकेशन का। जी तो नाज़रीन, आपको नज़र आ रहा होगा ब्यूटी कैम 2018 मेरे स्क्रीन पे। अगर आप बोल दें आपको दिखा देता हूँ, ये रहा ब्यूटी कैम 2018। इसके अंदर हम जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ उस पर आप एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। पहले तो इस पर माजरा कुछ इश्तहार इस पर आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अभी ये पॉपुलर एप्लीकेशन है, तो यकीनन इस पर इश्तहार बहुत ज़्यादा होंगे। गैलरी में से आप सेलेक्ट करेंगे फ़ोटो, जैसे मैं इस फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ, इसमें मैं इस तस्वीर पे आता हूँ। अब नाज़रीन, ये एक रैंडम कुछ बच्चों की तस्वीर है विलेज में जो रहते हैं, इसको हम थोड़ा सा टच देंगे। एडिटिंग पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने बॉटम पे बहुत सारे फ़िल्टर्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फ़िल्टर्स का जो है ये ऑप्शन, इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसमें सनराइज़ पे आप क्लिक करेंगे तो एक अलग ही आपको लुक दिखेगा तस्वीर का। सनसेट पे एक अलग लुक दिखेगा आपको, क्रायोन पे अलग दिखेगा, स्केच पे अलग दिखेगा, ब्यूटी पे ब्यूटी मोड आ गया। अब नाज़रीन उस तस्वीर को ज़रा ध्यान में रखिए और इस तस्वीर को आप दीजिए, क्या बेहतरीन शानदार HD लुक आपकी तस्वीर को मिल गया है। इसी तरीके से मज़ीद बेशुमार आपके पास फ़िल्टर्स हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम पहले इसको टच कर देते हैं। हमने कर लिया सेफ। उसके बाद स्टिकर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर पे आपको स्टिकर लगाना चाहें तो अपनी तस्वीर को थोड़ा सा फ़नी बनाने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी इसमें मास्क हैं, लाइक और शेयर वीडियोज़ के अगर आप टैग चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल हम इसकी ज़रूरत नहीं। अब हम करते हैं रीटच। रीटच में सबसे पहले हम रीटच में आते हैं, देखिए शानदार नाज़रीन, बेहतरीन। मॉडरेट करेंगे तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बेस्ट हो जाएगी तस्वीर। इसको हम करते हैं ओके। हेयर में अगर आप आते हैं तो हेयर कलर को जिस तरीके के बाल हैं आप उस तरह का उनको कलर दे सकते हैं। थोड़ा सा ये टेक्निकल काम है, थोड़ा सा इस पर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को, ताकि आप थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक लेके आ सकें। इसके बाद लिप्स, होंठों पे अगर आप चाहते हैं कि पिंक या रेडिश या पिंकिश कलर कर दें तो वो भी आप आसानी कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ, वैसे मेरा भी इतना प्रोफेशनल नहीं हुआ कि मैं ये काम कर सकूँ, लेकिन जस्ट गिव अ ट्राई। अच्छा, जैसे अब हम देखते हैं, हम देते हैं इस बच्चे को पिंक। ठीक है, थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जैसा अभी मैं लूँगा इरेज़र मैंने लिया और इसको मैं थोड़ा सा फाइनल टच दूँगा। चलिए ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा ये नाज़रीन थोड़ा सा अजीब हो गया, लेकिन इसको अगर आप प्रोफेशनली करेंगे तो बहुत शानदार होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आप आईज़ का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दांत, दांतों को आप वाइट कर सकते हैं, ये वाइट वाइटनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए थोड़ा सा ऐसे, बच्चे के दांत माशाल्लाह वैसे ही बहुत साफ़ हैं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो ये देखिए एक वाइट पेंट से उसे फिरता हुआ नज़र आएगा। ये देख रहे हैं, देखा आपने, जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो ये देखिए,
तो नाज़रीन बहुत शानदार एप्लीकेशन है, बहुत ज़बरदस्त है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी तस्वीरों को मज़ीद बेहतर करने के लिए, मज़ीद शानदार करने के लिए। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और आज ही यूज़ करके देखिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद नुमान कायम खानी साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।